हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परी कुकिंग में। तो आज हम बनाने वाले हैं बंडे की सब्जी, जिसे हम कांदा भी कहते हैं। तो आप इसे मेरे तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए, बिना देर के हुए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 1/2 kg बंडा ले लिया है। इसका मैंने छिलका उतार के और इसे एक पानी से धुल लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालकर उबाल लेंगे। उबालते टाइम हमें इसमें अलग से नमक नहीं डालना है। हाई फ्लेम पे हम बंडे को उबाल लेंगे और जब 2 उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे बंडे को बिल्कुल अच्छी तरह से पकाना नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसे फ्राई करूँगी और मसाले में पकाऊँगी, तो ये सारी प्रोसेस करने में बंडा अच्छे से गल जाएगा। बंडे को हम हाई फ्लेम पर ही 2 उबाल आने तक पका लेंगे। यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लूँगी। मैं इसमें 3 बड़े चम्मच तेल को डाल के गरम तेल में बंडे को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करते टाइम हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और जब सारे बंडे में इस तरह से कलर आ जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे तेल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच तेल को डाला है, तो 1 चम्मच तेल को निकाल लूँगी। और ये तेल पहले से ही गर्म है, तो अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज को डाल दूँगी, साथ में 1 तेज़पत्ता को भी, और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे ही। ये देखिए, प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लूँगी और इसे 1-2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1-2 मिनट बाद 1 पीसी हुई टमाटर को डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अच्छे से चलाते हुए। टमाटर भी पक गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च को डाल दूंगी, जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1 चम्मच और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सारे मसालों को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेंगे ढककर, और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए, मसाले हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए बंडे को ऐड कर दूंगी और 1/2 कप पानी को डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिए, और रेसिपी पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दें, और हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।